गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों, मैं मोहित मित्तल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मोदी केयर ने रिसेंटली प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका कि नाम है कच्ची घानी तेल मस्टर्ड ऑयल, जो कि कोल्ड प्रेस्ड है। दोस्तों, इसी के बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है, जहां पर मैं आप लोगों को 13 ऐसी बातें बताऊंगा मस्टर्ड ऑयल के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो अगर वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब अगर बात करते हैं कि ये कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल क्या है। तो दोस्तों, जो मस्टर्ड सीड्स होती हैं, जो सरसों के बीज होते हैं, उनके अंदर से जो तेल निकाला जाता है वो बिल्कुल ही नेचुरली निकाला जाता है। इसका मतलब कि उसमें कोई केमिकल ऐड नहीं किया जाएगा, कोई इम्प्योरिटीज ऐड नहीं किया जाएगा, उसे बहुत हाई टेम्परेचर पर रखा नहीं जाएगा। जैसा वो नेचुरल फॉर्म में है, उस पर प्रेशर लगा करके उसमें से जितना तेल निकलता है उस तरीके से उसमें से तेल निकाला है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो नेचुरल फॉर्म में बने रहते हैं, जो कि आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। इसका मतलब जो एक सरसों के तेल के नेचुरल बेनिफिट्स होते हैं, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की वजह से बेनिफिट्स होते हैं, वो पूरे आपको मोदी केयर के कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल मस्टर्ड ऑयल में मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इस इफेक्ट्स की, जो मस्टर्ड ऑयल से रिलेटेड आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इसे अब यूज़ करने वाले हैं। तो ये 13 ऐसे फैक्ट्स, 13 ऐसी जानकारी आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो मस्टर्ड ऑयल बहुत ही हाई इन कैलोरीज है, अच्छी एनर्जी देता है। इसका मतलब कि अगर आप एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल लेते हैं तो आपको 126 कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिलती है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी केयर का कच्ची घानी तेल मस्टर्ड ऑयल एडिबल ग्रेड का, इसे खाने में आप यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत हेल्दी है। इसके बाद में अगर बात करें तो ये आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वो आपके बाइल जूस को और गैस्ट्रिक जूस को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जो कि आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, इसकी बात करें तो जिन लोगों को भूख कम लगती है, वो अपनी डाइट बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी भूख को बढ़ाता है, आपकी हंगर को बढ़ाता है। इसका मतलब कि अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो आपकी डाइट भी बढ़ती है, आपकी भूख भी बढ़ती है। इसके बाद में अगर बात करें दोस्तों कि इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, अगर फंगस की वजह से आपकी स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे वहां लगा सकते हैं, जिसकी वजह से उस फंगल इन्फेक्शन में आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज की वजह से। दोस्तों, एक बहुत अच्छा इंसेक्ट रिपेलेंट भी है, जो इसकी स्मेल है वो स्मेल इंसेक्ट्स को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, जिसकी वजह से अगर आपकी स्किन पर ये लगा हो तो इंसेक्ट्स आपसे दूर भागेंगे। मॉस्किटोज हो, एंट्स हो, या अलग प्रकार के जो इंसेक्ट्स हो वो आपसे दूर भागेंगे, तो इसे आप एज अ इंसेक्ट रिपेलेंट भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें दोस्तों, ये हेयर मसाज के लिए बहुत ही अच्छा ऑयल माना जाता है, क्योंकि ये हमारे हेयर्स पर, स्कैल्प पर बेसिकली हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से हेयर्स के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। दोस्तों, ये एक वार्म ऑयल है, गर्म होता है, जिसकी वजह से इसे विंटर्स में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा, यूजुअली हम विंटर्स में सरसों का तेल लगाते हैं, जिसकी वजह से गर्मी हमारे शरीर में बनी रहे, तो उसके लिए भी इसका बहुत अच्छा यूज है, क्योंकि ये गर्म है। आयुर्वेदा में भी बताया गया है कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो उसके लिए सरसों का तेल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये गर्म होता है, वार्म इन नेचर होता है, तो इसकी वजह से आप उसे कंज्यूम भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी और एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। उसका मैकेनिज्म इस तरीके से है, जब आप इसे कंज्यूम करते हैं तो ये गर्म होने की वजह से आपकी बॉडी में स्वेटिंग को प्रमोट करता है, पसीना आपकी बॉडी में आता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, इसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ और बेनिफिट ये है कि अगर आप इसे सॉल्ट के साथ में मिला करके अपने मसूड़ों पर लगाएं, मतलब सॉल्ट और मस्टर्ड ऑयल को अगर आप अपने मसूड़ों पर लगाएं तो आपको मसूड़ों से संबंधित, गम्स से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट देखा गया है।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग एम्स जानते होंगे, एम्स में भी मस्टर्ड ऑयल के ऊपर रिसर्च हुई है और इसे कंपेयर किया गया था ऑलिव ऑयल से, सनफ्लावर ऑयल से। तो ये पता लगा है कि अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का खतरा 70% तक कम हो जाता है। इसका मतलब कि आपके हार्ट के लिए भी बहुत हेल्दी है दोस्तों। और दोस्तों, लास्ट में इसका एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर आपकी बॉडी के कुछ बॉडी पार्ट्स सुन हो जाते हैं, आपको नंबनेस फील होती है, तो अगर आप वहां पर मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं तो मस्टर्ड ऑयल लगाने की वजह से वहां पर वो जो नंबनेस है वो खत्म होने लगती है धीरे धीरे। एक वार्म्थ देता है वहां पर मसल्स को और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उस नंबनेस की प्रॉब्लम में आपको धीरे धीरे बेनिफिट होने लगता है। तो दोस्तों, है कि नहीं मोदी केयर का कच्ची घानी तेल मस्टर्ड ऑयल कमाल का, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स आपको ये दे रहा है। इनफैक्ट इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग टाइम टू टाइम आप लोगों को बताते भी रहेंगे जैसे जैसे हम स्टडी करते रहेंगे उसके ऊपर। और अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। इसी के साथ में दोस्तों, मैं एक बात और आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो हम आपको रिकमेंड करना चाहेंगे हमारी पहली ईबुक, जो कि है 101 बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट ऑयल। आप अभी तक कोकोनट ऑयल को हेयर्स पर यूज करते होंगे, स्किन पर यूज करते होंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने फूड में उसका यूज करते होंगे, ये तो 3 ही यूज हुए, लेकिन मैं आप लोगों को पूरे 101 तरीके बता चुका हूँ उस ई बुक के अंदर। कुछ ऑनलाइन बेसिक चार्जेस में आपको वो ई बुक अवेलेबल हो रही है। अगर आप उस ई बुक का बेनिफिट लेना चाहते हैं कि मोदी केयर के कोकोनट ऑयल के और क्या क्या यूज हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पूरा बताया है, तो उस ई बुक को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के आप उस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और नीचे कमेंट में मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूं, जैसा कि अब आगे टाइम आने वाला है, जैसा कि अभी समय चल रहा है, अब अगर आप ऑनलाइन जाकर के मोदी केयर को प्रमोट करेंगे, अपना बिजनेस ऑनलाइन लेकर के जाने की कोशिश करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, तो आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। तो अगर आप उससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं कि मोदी केयर को ऑनलाइन कैसे करें और कैसे किया जाना चाहिए सही तरीके से, तो उससे रिलेटेड हम वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख करके हमें जरूर बताइएगा कि आप इस तरीके के वीडियोस चाहते हैं जहां पर हम आप लोगों को अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना सिखाएं। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा दोस्तों। तो इसी के साथ में दोस्तों, अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद।